वेलकम अगेन टू जॉब अपडेट्स बाय शुरेनी जन यूट्यूब चैनल आज के दिन दूसरी वैकेंसी है जॉब नोटिफिकेशन आ रही है बाय दामोदर वैली कॉरपोरेशन डी सरकारी कंपनी परमानेंट जॉब जहाँ पर फ्रेशर सप्लाई कर सकते हैं कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है यस ऑल इंडिया एलिजिबल है जहाँ पर सीडीसी प्रोवाइड कर रहे हैं ट्वेल्व लाख पर एनम क्योंकि सीटीसी जो है लेवल टेन का वो आपको प्रोवाइड करेंगे बेसिक पे फिफ्टी सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड रुपीज़ फिर डी ए एच आर ए सारा ऐड करते हो तो वन लाख रुपीज़ पर मंथ की सी आपकी बन जाती है सो सालाना ट्वेल्व लाख पर एनम इन टोटल 176 वैकेंसी है जहां पर पोजीशन है ईटी टी यानि एग्जीटिव ट्रेनिंग पर देखो यार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले बता देता हूं ताकि आपका समय वेस्ट ना हो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बी बी टेक इन स्पेसिफिक ब्रांचेस ही अप्लाई कर सकते हैं जैसे मैकेनिकल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल पावर थर्मल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सिविल इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आई टी केमिकल या इक्वैलेंट ठीक है तो बहुत सारे डिग्रीज है बट मोटा मोटी ये आपको पता होना चाहिए इसी के इर्द गिर्द इक्वलेंट है दूसरा गेट 2023 के माध्यम से यहाँ पर सिलेक्शन रखा गया है तो अगर आप इंटरेस्टेड हो फिट होते हुए हो क्राइटेरियाज में तो पूरा वीडियो देखना नहीं तो आप पर वीडियो को छोड़ सकते हो और अगर वीडियो को छोड़ रहे हो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि उन स्टूडेंट्स सब पहुंच सके जो इंटरेस्टेड है और एलिजिबल भी है चलिए अब डाइव इन करते हैं डिटेल पी की तरफ वैसे एक छोटा सा अनाउंसमेंट अभी तक अगर आप जॉब अपडेट्स कम्युनिटी में नहीं जुड़े हो देन डू डाउनलोड श्रेणी जिन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप ऐप के लिंक्स आपको कॉमेंट सेक्शन में मिल रही होगी विजिट दी कम्युनिटी ताकि ग्रुप के अंदर आप डिस्कशन कर सको कि पढ़ाई से कर रहे हो कौन से टीचर्स बढ़िया है कौन से कोर्सेज बढ़िया है रिव्यू लेना हो मटेरियल शेयर करना हो इंटरव्यू क्वेश्चन शेयर करने हो एक्सपीरियंस शेयर करना हो सब कुछ आप वहां पर कर सकते हो ऑलरेडी टू प्लस की कम्युनिटी है तो काफी अच्छी मदद आपको वहां पर मिल जाएगी ठीक है चलिए अब यहां पर आप देख सकते हो रिक्रूटमेंट नोटिस आपके सामने है डी की तरफ से पहली नोटिफिकेशन आपके लिए है सोच रहे होंगे सर अब तो गेट ट्वेंटी हो गया तो ट्वेंटी इसे कैसे रिक्रूट हो रहे हैं सरकारी कंपनी है ये कुछ ज्यादा ही समय ले लेते हैं वेकेंसी के लिए क्या कर सकते हैं अब हम ठीक है तो जो है सो है यहां पर आप देख सकते हो डीवीसी दामोदर वैली इनके तरफ से एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की वैकेंसी फॉर दी वेरियस वैलीशन थ्रू गेट ट्वेंटी और ये कोई पास्ट रिक्रूटमेंट नहीं है हाल ही में निकाला गया है सेवेंथ जून ट्वेंटी ठीक है चलिए अब यहां पर आप देख सकते हो मैकेनिकल में फिफ्टी नाइन वेकेंसी कैटेगरी वाइज्रीब्यूशन पर दिया गया है इलेक्ट्रिकल के अंदर 58 सिविल में 39 नाइन सी एस ये सॉरी सी एंड आई कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की कहानी है पंद्रह वैकेंसी आई टी सी एस के अंदर तीन वैकेंसी केमिकल के अंदर दो वैकेंसी इसके अलावा यहाँ पर फिफ्टी सिक्स थाउजेंड वन रुपीज़ का बेसिक पे फिर डी एच आर ए पर्स अलावेंसेज तो ट्वेल्व लाख ,00 पर एनम की आपकी सी डी सी मिनिमम बनती है इससे ज़्यादा ही होगी ये मान करके चलना ठीक है सो लेवल टेन का पे स्केल है अपर एज लिमिट ट्वेंटी वा ट्वेंटी नाइन ईयर्स जो बहुत ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि ये एक ऐसी uh, सरकारी कंपनी है जो ऑलमोस्ट अच्छी खासी अपर एज लिमिट आपको देती है ताकि आपको दिक्कत ना हो है ना ये वालों के लिए है वैसे एससी एस टी ओबीसी पीडब्लू डी सर्विसमैन वालों के लिए रिलैक्सेशन मिल जाता है जो आगे मैं आपको बता दूंगा वैलिड मार्क्स ओनली 2023 प्रायर के नहीं चलेंगे उसके बाद के भी नहीं चलेंगे सिर्फ 2023 के ही चलेंगे ठीक है इसके अलावा जो अलाइड ब्रांचेस है मैकेनिकल के अगर पोजिशन में अप्लाई करना है तो ये वाले ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं और मैकेनिकल का पेपर कोड इलेक्ट्रिकल के अंदर ये वाले ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल का पेपर कोड सिविल के अंदर तो सिविल ही है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन के अंदर का ये पेपर कोड आई या ई चल जाएगा और ये वाले ब्रांचेस चल जाएंगे तो डुअल पेपर का यहाँ पर बेनिफिट भी आपको दिखाई देगा सी के अंदर ये चल जाएगा ब्रांचेस में सी होना चाहिए केमिकल में तो सिर्फ केमिकल है ठीक है बाकी सिक्सटी फाइव परसेंट मार्क्स होना चाहिए जनरल ओ बी सी ई डब्ल्यू एस सिक्सटी परसेंट फॉर एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी भी चल जाएगा ठीक है इसके अलावा एज और रिलैक्सेशन की कहानी यहाँ पर दे रखी है फॉर द स्पेशल कैटेगरीज आप पढ़ सकते हो हर एक सरकारी कंपनी में इतना ही होता है सो ये बाय हट करके रख लेना बाकी कोई एप्लीकेशन फीस किसको नहीं है एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी एक सर्विसमैन एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को ठीक है सिलेक्शन प्रोसेस 2023 गेट ओनली प्रायर नहीं चलेगा बाद का नहीं चलेगा एप्लीकेशन फ़ीस ज़्यादा नहीं है थ्री हंड्रेड रुपीज़ है बट क्यों रखना है जब सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो है ना ये मुद्दा उठाना चाहिए ट्विटर पर ये मुद्दा उठाना चाहिए यूट्यूब पर बट हमारी इंजीनियर्स की कम्युनिटी कैसी है कोई सपोर्ट में ही नहीं आता ठीक है जब बात आती है क्रांति की जब बात आती है सपोर्ट सिस्टम की तो इंजीनियर्स कहते हैं यार हम तो पढ़ाई में बिजी है हम तो जॉब में बिजी है हम क्यों आपको सपोर्ट करें पर मुद्दा अगर मैं उठाऊँ तो सपोर्ट करना चाहिए कि सिर्फ जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ना इंटरव्यू है ना कोई एग्जाम है तो थ्री भी क्यों लिया जा रहा है तो अगर आप चाहते हो इस पर आवाज़ उठे तो कमेंट करके बताना रेज वॉइस ठीक है अगर कमेंट ज़्यादा रहे आई विल मेक वीडियो ऑन दिस ताकि हम एक डिमांड कर सके थ्रू दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारी इतनी बड़ी कम्युनिटी है कि ये विदाउट एनी यूज ये एप्लीकेशन फीस क्यों लिया जा रहा है है ना एक्सप्लेन दी एक्सपेंस बिहाइंड दिस ये आवाज उठाना चाहिए नेवर दिलेस ये जनरल ओ बी सी ई डब्ल्यू एस वालों के लिए अप्प्लीकेशन फीस है ऐसी एस टी पी डब्ल्यू एक सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है लास्ट डेट है सेवन सेवन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इस चीज़ का ध्यान रखना है बाकी पैकेज के बारे में मैं तो मैंने पहले ही बता दिया था एंड uh, इतनी सी बात है हाउ टू अप्लाई के लिए तो ये पी डी एफ के अंदर दिया गया है पी डी एफ के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ऐप पर देख रहे हो तो आपको फोल्डर पर भी मिल जाएगा ठीक है सो so, एक ही पोजिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो भले ही आप एलिजिबल हो फॉर द मल्टीपल पोजिशन आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो और बस ये कुछ है स्टार्ट एंड लास्ट डेट इस चीज का आपको ध्यान रखना है एंड दैट्स इट फॉर टुडे आई होप यू द वीडियो यून जोर्जी ने टेक केयर बाय फॉर नाउ सी के